नमस्कार जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंग के आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ बंधुओं पिछले कुछ दिनों से हमने वामपंथियों द्वारा किस प्रकार से पूरे देश में एक तांडव मृत्यु का खेला है ये हमने देखा उसी प्रकार से उन्होंने कितनी क्रूरता से अपने ही देश के लोगों को इन वामपंथियों ने मार डाला ये भी हमने समझ कर लिया इन वामपंथियों का जो चेहरा है वो चेहरा हमने उनकी सत्यता क्या है वो जानकर ली ये वामपंथी आज सावरकर जी के बारे में क्या सोचते हैं उनके बारे में किस प्रकार से आलोचना करते हैं इसकी सत्यता क्या है ये हमने समझ कर लिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भी इन वामपंथियों के कैसे विरोध में थे यह भी सत्य बातें हमने समझ कर ली आज भी हम ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में समझ कर लेने वाले हैं हमारे साथ हिंदू जनजागरूकता समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित हैं नमस्कार सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी नमस्कार कार्तिक जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपने हमें इन वामपंथियों का षड्यंत्र के बारे में हमें बताया और किस प्रकार से वो अभी सावरकर जी के बारे में बात कर रहे हैं उनकी आलोचना कर रहे हैं ये आपने हमें बताया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी इन्होंने किस प्रकार से अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया था परंतु बाबा साहेब आम्बेडकर जी भी इन वामपंथी विचारधारा से बहुत दूर थे और उन्होंने कभी भी इनका समर्थन नहीं किया था ये सभी बातें हमें ध्यान में आई तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कम्युनिस्टों के संबंधों के संदर्भ में भी हमें अवगत करवाए जी कार्तिक जी सुभाष चंद्र बोस और कम्युनिस्टों के संबंध कैसे थे वो भी हम जान लेंगे और कैसे कम्युनिस्टों ने सुभाष चंद्र बोस को प्रताड़ित किया था कैसे ये साम्यवादी वामपंथी स्टालिन वगैरह ने कैसे सुभाष चंद्र बोस पर अन्वित अत्याचार किए थे तो यह बात भी हमको समझ कर लेने की आवश्यकता है द्वितीय विश्व युद्ध चालू होने के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि अब भारत की स्वतंत्रता के लिए जोर लगाना चाहिए और इसी समय यह प्रयास सफल हो सकते हैं परंतु गांधी जी सुभाष जी के इस मत से सहमत नहीं थे और सुभाष बाबू तो भारत माता को अंग्रेज़ों के सत्ता से स्वतंत्र करने के लिए व्याकुल हुए थे बेचैन हुए थे और उसमें भी जब उन्हें गांधी जी तथा नेहरू के कारण कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने पर भी वह पद छोड़ना पड़ा तब उन्होंने अपना स्वयं का फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से दल बनाया था कैसी विडंबना है लोकतंत्र के समर्थक गांधी और नेहरू और जो लोकतांत्रिक पद्धति से चुन के आने के बाद भी सुभाष बाबू को कांग्रेस के अध्यक्षता पद से वो इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया था और गैर लोकतंत्रिक पद्धति से नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री करके मनोनीत किया था तो ये कैसा लोकतंत्र था और ये कैसे लोकतंत्र समर्थक है यह तो एक प्रश्न निर्माण होता ही है जब सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक दल बनाया तो इसके उपरांत उन्हें अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में ही नज़रबंद करके रखा था परंतु इस नज़रबंदी से सुभाष चंद्र बोस पलायन कर गए और वहाँ से वे अफग़ानिस्तान तक पहुँचे और अफगानिस्तान में उन्हें यह अपेक्षा था कि स्टालिन उन्हें वहाँ पर सहायता करे यानी वो जो सोवियत वामपंथी था स्टालिन जिन्होंने अनन्वित अत्याचारों का नरसंहारों का एक रक्तरंजित इतिहास खड़ा किया था वह उन्हें सहायता करे ऐसे एक अपेक्षा थी क्योंकि स्टालिन उस समय अंग्रेज़ों के विरोध में लड़ रहा था परंतु मास्को से रशिया से स्टैलिन से इन वामपंथियों से सुभाष चंद्र बोस को कोई सहायता नहीं मिली स्टैलिन अपनी तानाशाही अपनी वामपंथी राजवट को स्थिर और कायम करने के प्रयासों में वह केवल रूसी जनता पर ही नहीं तो अपने परिवार पर अत्याचार करके उनको नष्ट करने में व्यस्त था रूसी जनता किसान मजदूर और कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी पार्टी के दस लाख कार्यकर्ताओं का उस समय नरसंहार करने में व्यस्त था अब स्टालिन का उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सहायता क्यों नहीं मिली तो उसका कारण भी हम जान लेंगे तो उस समय नेताजी बोस ने जर्मन के जो नेता थे हिटलर तानाशाही उससे उस समय उन्होंने हाथ मिलाया था और वास्तविकता में नेताजी को स्टैलिन तथा हिटलर से अधिक अपने भारत माता का ही अधिक प्रेम था और भारत माता की स्वतंत्रता यह उनका मुख्य ध्येय था यह बात हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है और सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर की सहायता तो ली परंतु सुभाष चंद्र बोस कभी भी हिटलर के प्रशंसक नहीं थे यह सत्य भी और तथ्य भी हमें जानने की आवश्यकता है क्योंकि उन्होंने अपने एक जर्मन मित्र को 25 मार्च 1936 में ही एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने हिटलर के जो 14 मार्च 1936 का उसका एक जो भाषण था और उस भाषण को उसने अपनी जो आत्मचरित्र का पुस्तक था माइनकाफ इसमें उस भाषण को लिखा था तो उस विचारों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह उपनिवेशवादी विचार है यह स्वार्थी और घमंडी विचार है यह अत्यंत संकीर्ण विचार है ऐसे स्पष्ट शब्दों में कड़ी आलोचनात्मक उन्होंने कहा था और वह उनके मित्र को पत्र में भी लिखे थे आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के स्वरोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले भी थे प्रत्यक्ष लेकिन हिटलर को भारत के विषय में कुछ विशेष रुचि नहीं थी और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को सहायता का कोई स्पष्ट वचन भी अपने भेंट में नहीं दिया था और सुभाष चंद्र बोस को ये साम्राज्यवादी अंग्रेज जिसका एक तिहाई से अधिक विश्व पर राज्य था तो इन तानाशाहों के अलावा अन्य किसी से सहायता मिले ऐसा उस समय रास्ता भी नेताजी को नहीं दिख रहा था और इसलिए उन्होंने हिटलर की सहायता लेने का प्रयास तो ज़रूर किया मगर हिटलर ने उन्हें कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया था परंतु उस समय हिटलर ने अपने आत्मचरित्र माइन में जो लिखा था और उसमें भारत और भारतीय लोगों की जो बुराई किया था इस विषय पर सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से अपनी स्पष्ट नाराज़गी व्यक्त किया था और इस संदर्भ में हिटलर ने उन्हें यह जरूर आश्वासन दिया था और माफ़ी भी मांगी थी और कहा था कि माइन के अगले संस्करण में वह परिच्छेद निकाल कर भारत और भारतीयों के बारे बारे में जो उन्होंने आलोचना और टीका टिप्पणी किया है वह निकाल देंगे इस तरह से उन्होंने कहा भी था तो इस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी के तानाशाह जो हिटलर थे तो उसके संदर्भ में ऐसे उनके संबंध थे तो दूसरी ओर जो स्टैलिन जो स्वयं वामपंथी था तानाशाह भी था और जिसका इतिहास रक्तरंजित और नरसंहार का था तो उसने भी ऐन वक्त पे सुभाष चंद्र बोस के पेट में छुरा घोपा था सहायता का एक ऐसे वचन तो दिया था परंतु प्रत्यक्ष अफगानिस्तान में जाने के बाद सहायता नहीं किया था और वो इसलिए नहीं किया था कि सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर के साथ हाथ मिलाया करके तो ये सब बात देख कर ये पता चलता है कि वामपंथी विचारधारा के लोग सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में नहीं थे उन्होंने उनके हक हाँ में कभी कोई मदद या योगदान नहीं दिया था तो एक प्रारंभिक स्तर पर यह हमें दिखाई देता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वाम पद्ध था उसमें स्टैलिन ने सुभाष चंद्र बोस से दूरी करके रखी थी और भारतीय स्वतंत्रता के लिए ना तो प्रत्यक्ष ना तो अप्रत्यक्ष उन्होंने कोई सुभाष बाबू की सहायता किया था जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपने जो तथ्य हमारे सामने रखे हैं इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को यह तानाशाही जो स्टालिन था इससे किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली क्योंकि वो वहाँ पर एक बड़ा नरसंहार करने में व्यस्त होने के कारण किसी भी प्रकार की सहायता सुभाष चंद्र बोस जी को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं की और इसी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को हिटलर से मदद के लिए जाना पड़ा ये बात हमें ध्यान में आई परंतु ऐसे भी कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कथित तईपई के हवाई जहाज दुर्घटना में उनकी मृत्यु ही नहीं हुई थी तो उन्हें तो रशिया के कम्युनिस्ट नेता स्टालिन ने साइबेरिया में बंदी बनाकर रखा था और रूसी वामपंथियों ने उसमें अंग्रेजी सत्ता की ही सहायता की थी तो इसमें तथ्य क्या है और इसमें वास्तविकता क्या है यह भी आप हमारे दर्शकों को बताएं क्योंकि ये बहुत जगह पर अभी ये इसके बारे में बताया जा रहा है और एक गलत गलत अफवाहें भी फैलाई जा रही है तो आप हमारे दर्शकों को सत्यता क्या है वो बताएं कार्तिक जी सुभाष चंद्र बोस जी का मृत्यु का एक अत्यंत रहस्यमय और एक गूढ़ पद्धति से एक चर्चा इतने वर्षों से भारत में चल रही है और ऐसा कहा जाता है कि तय के कोई विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु नहीं हुआ था और प्रत्यक्ष में वे स्टालिन के कैद में थे और उन्होंने आखिरी समय रशिया में निकाला है इस प्रकार के कुछ तथ्य सामने आए हैं उसके बारे में क्या सत्य है वो अभी हम समझ कर लेंगे युद्ध में पहले स्टालिन और हिटलर एक ही पक्ष में थे परंतु हिटलर ने अनाक्रमण की जो संधि थी उसको तोड़ा और जब जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण किया तो इसके कारण रशिया का जो तानाशाह था स्टालिन उसके मन में हिटलर की मैत्रीता निकल गई और उसने हिटलर से शत्रुता किया था और हिटलर से शत्रुता होने के कारण द्वितीय महायुद्ध में स्टालिन मित्र पक्षों के साथ यानी इंग्लैंड के पक्षों में खड़ा हुआ था तो इसका परिणाम क्या हो गया कि इंग्लैंड फ्रांस रशिया चीन और अमेरिका वे एक पक्ष में आ गए तथा जापान जर्मनी इटली यह दूसरे पक्ष में हो गए थे जापान पर अमेरिकी सेना ने अणुबम डालने के बाद जापान ने एकाएक यक युद्ध विराम घोषित कर दिया था और दूसरी ओर हिटलर की सेना हार रही थी ऐसे में जापान के सहायता के सहायता से लड़ने वाले जो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सेना थी तो उनको किसी से भी मदद न मिलने के कारण आज़ाद हिंद सेना पूरी तरह से असहाय बनी थी और बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ा था तो इस संदर्भ में भारत भाजप के जो नेता है सुब्रमण्यम स्वामी उनका अध्ययन के आधार पर वे कुछ कहते हैं कि विमान दुर्घटना के समय ताइवान जापानियों के कब्जे में था उसके बाद उस पर अमरीकी सेना का कब्जा हो गया था अब दोनों देशों के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उस दिन वहाँ कोई विमान दुर्घटना हुई थी यानी एक तथ्य तो सामने आ गया ना तो जापान के पास कोई ऐसा प्रमाण था ना तो अमेरिका के पास कोई ऐसा प्रमाण था जिसके आधार पर यह कह सकते थे कि वहाँ पर विमान दुर्घटना हुई है और उसमें किसी की मृत्यु हुई है और उसमें एक सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं तो ये बात एकदम वहाँ से निकल जाती है अब डॉक्टर स्वामी आगे कहते हैं कि उन्नीस के सोवियत विघटन के बाद एक सोवियत स्कॉलर ने मुझे बताया था कि नेताजी तो ताइवान गए ही नहीं थे तो ताइवान में गए नहीं तो ताइवान के किसी विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु की कोई संभावना ही नहीं थी वे साइगोन से सीधा मंचुरिया गए थे और जहाँ उन्हें हमने गिरफ्तार किया था यानी रूस ने या स्टेलिन की सेना ने उन्हें वहाँ पर गिरफ्तार किया था तो गिरफ़्तार करने के बाद स्टेलिन ने उन्हें साइबेरिया के का इस जेल में भिजवा दिया था अब डॉक्टर स्वामी कहते हैं कि नेहरू के जो स्टेनोग्राफर श्यामलाल जैन हैं इन्होंने जो शाहनवाज जांच समिति के सामने जो गवाही दिया था उस गवाही में भी एक जिक्र ऐसा आता है नेहरू के जो स्टेनोग्राफर जैन थे उन्होंने कहा था आयोग के सामने साक्ष्य में कहा था कि 1947 में उन्हें एक रात नेहरू जी का संदेश मिला कि वे तुरंत उन्हें मिलने आए और उनके निवास तीन मूर्ति पर नहीं बल्कि आसफ अली के यहाँ जो उस समय दरियागंज में रहा करते थे तो आसफ अली के यहाँ नेहरू जी ने जैन जी को बुलाया था तो जैन जी के साक्ष्य के अनुसार नेहरू ने उन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के लिए एक पत्र डिक्टेट कराया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें स्टैलिन से यह संदेश प्राप्त हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस जीवित है और उनके कब्जे में है डॉक्टर स्वामी ने इसके बारे में बताते तो हुए आगे कहा है कि स्टालिन सुभाष चंद्र बोस से इसलिए नाराज़ थे क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने उनके सबसे बड़े दुश्मन हिटलर के साथ हाथ मिलाया था प्रत्यक्ष में हिटलर और स्टालिन प्रारंभ में वे एकत्रित ही थे और उसके कारण सुभाष चंद्र बोस जी के जैसे स्टालिन से संबंध थे वैसे हिटलर से भी थे परंतु हिटलर ने जब जर्मनी के हिटलर के जर्मनी ने जब अनाक्रमण का कराह तोड़ के रूस पर आक्रमण किया था उसके बाद उनमें अनबन हुई थी और फिर स्टैलिन मित्र पक्षों के साथ इंग्लैंड के पक्ष में लड़ा था तो यह गुस्सा था कि सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर का साथ दिया हिटलर की मदद लिया और इसके लिए स्टैलिन ने उसको अटक करवा के उसको अपने कब्जे में रख के एक जेल में भेज दिया था अब इस संदर्भ में जो दूसरा तथ्य सामने आता है उसमें पुणे में रहने वाले एक सेवानिवृत्त पत्रकार नरेंद्र नाथ इनका जो है तथ्य वह सामने आता है उन्होंने जो मुखर्जी आयोग के सामने एक साक्ष्य दिया था और उसमें जो अपना हलकनामा दायर किया था उसमें उन्होंने एक पुष्टि किया था कि उन्होंने 1966 से 1991 तक के रेडियो मॉस्को के उद्घोषक के रूप में रशिया में कार्य किया था इस अवधि के दौरान सिंधकर कई भारतीय कम्युनिस्ट नेताओं के संपर्क में भी आए थे प्रत्यक्ष में भारत के अनेक नेता या भारत के अनेक कम्युनिस्ट नेता हैं अधिकांश तौर पे उन्हें सोवियत संघ के मुखबिरों के रूप में ही मानते थे यानी सिंधकर को वो सोवियत संघ के मुखबिर, यानी उनका एक स्पाई ही मानते थे वे या खबरिया इस तरह से ही मानते थे तो सिंधकर ने अपने इस साक्ष्य में हलकनामे में दावा किया था कि वे निखिल चट्टोपाध्याय को जानते हैं जो एक प्रमुख क्रांतिकारी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के पुत्र भी हैं और वे जवाहरलाल नेहरू वीर सावरकर और अन्य प्रमुख नेताओं के मित्र भी थे सुभाष चंद्र बोस भी उन्हें जानते थे तथा भारत के स्वतंत्र संग्राम में जो एक प्रमुख विदुषी थी सरोजनी नायडू यह उन वीरेंद्र की बहन भी थी तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय को स्टैलिन ने 15 जुलाई 1937 को ग्रेट पर्च का जो उसने अभियान चलाया था जिसने अपने ही कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का सफाया किया था एक तिहाई मतलब 30 लाख कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों का सफाया इस ग्रेट पर्च के अभियान के दौरान जिसे रेड टेरर या ग्रेट टेरर भी कहा जाता है तो इस अभियान के तहत इन चट्टोपाध्याय जी को विद्रोही घोषित करके उन्होंने मार डाला था तो सिंधकर के अनुसार निखिल चट्टोपाध्याय हालांकि सोवियत कम्युनिस्टों के एक भरोसेमंद कॉमरेड बन गए थे तो निखिल ने नेताजी के लिए एक दुभाषियों के रूप में काम किया था और जब वह 1941 में बर्लिन से भारत से भागने के बाद अपने रास्ते पर थे निखिल जी ने नेहरू पर सोवियत रूस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को निर्वासित करने के लिए मजबूर करने का आरोप स्वयं उन्होंने लगाया है उन्होंने कहा था कि बोस को रूस में मंचूरिया के माध्यम से आने के बाद सोवियत नेतृत्व ने सोवियत कॉन्सुलेट के माध्यम से लंदन में कृष्ण मेनन से परामर्श किया था सितंबर 1946 में जब नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री थे उस समय कृष्ण मेनन की सोवियत सोवियत की विदेश मंत्री बैचिस लॉ मोलोतो इनके साथ कुछ अति गोपनीय विषयों के मामले पर बैठक हुई थी जिनका खुलासा नहीं किया जा सकता है और उसके संदर्भ में जो एक वृत्त छप कर आया था वह आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं तो इसमें कृष्ण मेनन ने स्पष्ट रूप से नेहरू के पक्ष में जोर दिया और स्टैलिन को इस जानकारी को किसी के भी सामने खुली न करने का आग्रह भी किया क्योंकि नेहरू प्रधानमंत्री बनने वाले थे और जो एक कट्टर सोवियत समर्थक नीति का पालन करेंगे ऐसा कृष्ण मेनन ने रूस के विदेश मंत्री को आश्वासन दिया था अपने हलकनामा के अंत में सिंधकर ने निखिल चट्टोपाध्याय की उन्नीस में ओम्स यानी दक्षिण पश्चिम साइबेरिया में सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई मीटिंग का उसमें हवाला भी दिया है तो इसे यही स्पष्ट होता है कि स्टैलिन ने मंचूरिया से सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट करवाया था उसको उसने दूर साइबेरिया में कैद में भी डाल के रखा था दूसरे महायुद्ध में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर की मदद लेने के कारण गुस्सा आने पर स्टैलिन ने यह बर्बरतापूर्वक कदम उठाया था और सबसे महत्व की बात कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित है ऐसी अगर आशंका निर्माण होती है तो अपना प्रधानमंत्री पद संकट में हो सकता है इसलिए उन्होंने इंग्लैंड को भी खत लिखा था ऐसा स्पष्ट तथ्य सामने तो है उनके जो स्टेनोग्राफर थे जैन जी के जो तथ्य और साक्ष्य उन्होंने दिया उसमें परंतु कृष्ण मेनन ने रूस के विदेश मंत्री के साथ जो चर्चा किया था और उसमें जो उन्होंने कहा कि नेहरू जी को बचाने के लिए आप उसको अपने कैद में ही रखे इसके बारे में आप किसी को बताएं मत ये गुपित ही रखें और उसके बदले में सोवियत की वामपंथी नीति को भारत में लागू करने का जो आश्वासन नेहरू और कृष्ण मेनन ने जो सोवियत रशिया को दिया था तो अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने सपनों को बचाने के लिए क्या नेहरू और कृष्ण मेनन ने स्वतंत्रता के बाद अंग्रेजों को भारत से हकालने के बाद भारतीय यानी स्वतंत्र भारतीय शिक्षा व्यवस्था भारतीय परंपरा संस्कृति को संरक्षित करने के बजाय एक तरफ से अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल और मैकेलोप्रणी शिक्षा व्यवस्था जारी रखी और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जीवित थे और वो बाहर आ गए तो अपनी सत्ता जा सकते थे इसलिए नेहरू ने निरंतर वामपंथ को सोवियत पंथ को या सोवियत की जो मॉड्यूल थी उस मॉड्यूल को भारत में लागू कर करके इस लोकतांत्रिक देश को वामपंथ तानाशाह का स्वरूप देने का प्रयास किया यह स्पष्ट हो रहा है अब नेहरू जी के और कृष्ण मेनन जी के इस भेंट के संदर्भ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कैसे छुड़ाने के न पीछे क्या षड्यंत्र था अपनी सत्ता बचाने के लिए सब कुछ किया क्या ऐसे अनेक प्रश्न डॉक्टर स्वामी जी ने जो तथ्य कुछ सामने रखे हैं या आयोग के सामने जो आने वाले जो हलकनामे हैं उसके आधार पर तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन वामपंथी नेताओं ने ना तो सुभाष चंद्र बोस को मदद किया था किम्बु उनको अटक करके उनको अज्ञातवास में रख के एक इतना बड़ा पाप और अत्याचार किया है भारत के साथ एक इतना बड़ा विश्वासघात किया है भारत के इतने उच्च नेता के साथ इतने अमानवीय तरीके से उन्होंने काम किया है तो वामपंथी ये सुभाष चंद्र बोस के विरोध में कार्य करते थे और हिटलर ने कभी स्पष्टता से मदद का आश्वासन नहीं दिया और प्रत्यक्ष में कुछ मदद नहीं किया था तो देखावाई के लिए ये लोग सुभाष चंद्र बोस की सहायता के लिए सामने आए से दिखता है परंतु प्रत्यक्ष स्वाभिमान से जागरूक जो भारतीय लोग थे और जिन्होंने ये आज़ाद हिंद फौज में अपना सहभाग लिया था इनके देशभक्ति इनके त्याग इनके प्राणार्पण से सुभाष चंद्र बोस ने इतना बड़ा एक स्वतंत्र संग्राम सैनिकी या सशस्त्र क्रांति के द्वारा निर्माण किया था वही ध्यान में आता है कार्तिक जी और इसलिए यह जो छिपाया हुआ इतिहास है ये वामपंथ का ये झूठा षड्यंत्रपूर्वक छुपाया गया इतिहास है यह इतिहास अब सबके सामने रखकर सभी तथ्यों को सामने रखकर यह पर्दाफाश करने की आवश्यकता है सरकार इस तथ्य के संदर्भ में एक अधिकृत अपना बयान देकर इसका सत्य और तथ्य समाज के सामने रख के इस देश को भ्रम से बाहर निकालने की आवश्यकता है हम सर्वसामान्य नागरिक के तौर पर सरकार से सत्य और तथ्य जानने की अपेक्षा करते हैं और सरकार इसमें कुछ सकारात्मक पहल करे ऐसे अपेक्षा भी कर रहे हैं जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपने जो तथ्य और जो प्रमाण हमारे सामने रखे हैं कुछ उदाहरण हमारे सामने आपने जो रखे हैं इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की उस तयपई के हवाई जहाज़ में हत्या नहीं हुई थी और उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था उनको तो इस रशिया के वामपंथी ये जो था कट्टरपंथी स्टालिन इसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और इसके कारण उनका एक छल वहाँ पर किया गया था और हमें ये समझ कर लेना होगा कि अपनी सत्ता की कुर्सी बचाने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से इस ओर दुर्लक्ष किया ये पता होते हुए भी इस प्रकार से ये पूर्वक कार्रवाई ये जो की है तो ये अत्यंत निंदनीय है और ये अभी हमें सबको समझ कर लेना चाहिए इस विषय में डॉक्टर स्वामी जी भी पहल कर रहे हैं ये भी हमें जान कर लिया परंतु मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आरोप हो रहे हैं तो स्वतंत्रता के समय भारतीय कम्युनिस्टों की नीतियाँ सुभाष चंद्र बोस के विरोध में और ब्रिटिश सत्ता के लिए अनुकूल थी तो क्या यह भी बात सत्य है क्या इसके बारे में भी आप हमें बताएं कार्तिक जी यह आरोप नहीं तो यह सत्य है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय कम्युनिस्टों की जो नीतियाँ थी वो केवल सुभाष चंद्र बोस के विरोध में थी इतना ही नहीं तो वो भारत के भी विरोध में थी और ब्रिटिश सत्ता के अनुकूल थी क्योंकि सबसे पहले तो भारत के विरोध में कैसे है कि उन्होंने मुस्लिमों का समर्थन किया था अलग पाकिस्तान के लिए और जिन्हा के सपोर्ट में वो खड़े हुए थे दूसरा यानी हैदराबाद के निजाम भारत में विलीन ना हो तो उनके रजाकार के तरफ से कम्युनिस्ट लड़े थे तो एक तरह से उन्होंने भारत के विरोध में उन्होंने कार्य किया था दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस का तो विरोध किया ही किया था और तीसरी जो बात है कि अंग्रेज़ों का समर्थन किया था उन्होंने तो यह सब तथ्य हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है तो ये वामपंथी ना तो भारत के समर्थन में थे ना तो सुभाष चंद्र बोस के समर्थन में थे ये समर्थन थे पाकिस्तान के ये समर्थन थे ये समर्थन कर रहे थे हैदराबाद के निजाम का ये रजाकार के तरफ से भारत के विरोध में लड़ रहे थे ये जिना को प्रमोट कर रहे थे और अभी अभी जे में जो वीर सावरकर मार्ग का प्रकरण हुआ उसमें भी उन्होंने वीर सावरकर का नाम बदल कर बैरिस्टर जिना का नाम दिया यह सब संकेत यही कर रहे कि स्वतंत्रता के ही नहीं तो आज 2020 बीस, बीस में भी ये वामपंथी जीना और पाकिस्तान के समर्थक है भारत के नहीं यह स्पष्ट होता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जिसे हम सी कहते हैं उसने खुलकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थन किया था कम्युनिस्ट सोवियत संघ पर हिटलर द्वारा जब नाजी हमला हुआ तो फिर रशिया ने मित्र पक्षों का साथ दिया और उनके साथ मिलकर युद्ध किया उसका यही कारण था क्योंकि उसके पहले अनाक्रमण करार तोड़कर जब जर्मनी ने रशिया पर आक्रमण किया था तो रशिया पहले से जर्मनी पे गुस्सा था और वो मित्र पक्ष में अंग्रेजी के साथ खड़ा हो गया और जापान जर्मनी इनके विरोध में खड़ा हुआ था तो जैसे ही रशिया ने अंग्रेज़ों का समर्थन में खड़े हो गए मित्र पक्षों के साथ दूसरे महायुद्ध में आ गए इस एक कारण के लिए भारत के जो कॉमरेड थे हमारे देश के जो कॉमरेड थे या पूरी दुनिया के जो कांग्रेड थे दुनिया में उन्होंने जनता युद्ध यानी पीपल्स वॉर घोषित कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ सहयोग करने में बिल्कुल संकोच नहीं किया यानी ये सी है और यह वामपंथी लोगों ने पूरे विश्व में पीपल्स वॉर और आज पीपल्स वॉर ग्रुप के नाम से जो नक्सलवाद चल रहा है ये भी इन्हीं का ही रूप है और ये देशद्रोही वामपंथी समर्थक ये जो माओवादी ये नक्सलवादी है ये सब भारत के शत्रु है ये हमें समझने की आवश्यकता है तो सी ने उस समय अधिकृत रूप से गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ भूमिका रखी ताकि अंग्रेजों को भारत में अपने पैर जमा कर रखने में सहायता हो अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल रोल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स यूनियन इसमें गैरी के बॉश ने उल्लेख किया है कि भारत में ब्रिटेन के एकमात्र सहयोगी कम्युनिस्ट थे उस समय जब पूरा भारत अंग्रेज़ों को भगाओ भारत छोड़ो आंदोलन में सहभागी और उस समय ब्रिटिश सत्ता ने कम्युनिस्ट पार्टी से करार करके उसके बदले में भारत में जो बंदी बनाए गए कम्युनिस्ट नेता थे उनको मुक्त करना भी प्रारंभ कर दिया था यानी एक तरह से द्वितीय महायुद्ध के आसपास ब्रिटिश और कम्युनिस्टों की वामपंथियों की एक साठगाट हुई थी और कम्युनिस्टों का आधार लेकर भारत की स्वतंत्रता की जो संग्राम की मुहिम थी उसमें विफल करने का एक षड्यंत्र उन्होंने किया था और उसको सहयोग इसलिए जो उनके जेल में बंदीवान थे वामपंथी नेता उनको छोड़ना भी अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था इतना ही नहीं तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो कर्मचारी यूनियन थी उस पर नियंत्रण करके उन्हें कम्युनिस्टों को चलाने के लिए अंग्रेजों ने प्रोत्साहित भी किया था तो देखो भारत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वे सावरकर को पूछते कि आपका योगदान क्या है और आपने तो अंग्रेजों की माफ़ी मांगी थी और वो वामपंथी जो अंग्रेजों का खुलकर समर्थन किया था कांग्रेस की ट्रेड यूनियन को टेक ओवर करके वामपंथियों ने ले लिया था अंग्रेजों की सहायता से और वो सावरकर जी और नेताजी सुभाष चंद्र के बोस को प्रश्न चिन्ह उठाते हैं यह ये झूठे वामपंथी इतिहासकारों का षड्यंत्र है कि जिन्होंने सत्य छुपाया और झूठ के भ्रमित के आधार पर पूरे भारत की जनता को भ्रमित करके रखा है ब्रिटिश सत्ता ने तो न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं को चालू करने के लिए सीपीआई को आर्थिक फंड पैसा और साहित्य की आपूर्ति भी कराई थी और आज भी वही फंड चल रहा है हमारे भारत में एन के माध्यम से या अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से उसी प्रकार का मॉडल चल रहा है आज भी भारत में फंडिंग हो रहा है तो सबसे बड़ा अंग्रेजी भाषा में पीपल्स वॉर का यह मैगजीन छपा था उसका पूर्ण आर्थिक और बाकी साधन सामग्री के तौर पर अंग्रेजों ने ही वामपंथियों को देकर उनको खड़ा किया था आज भी वही साठगाट चल रही है वामपंथी अंग्रेजी मिशनरी क्रिश्चियन मिशनरी या इस्लामिक जो है उन्हीं के साथ साठगाठ करके भारत में वो डिवाइड एंड रूल करके भारत तेरे टुकड़े हो गए कश्मीर की आज़ादी तक और हमें वीर सावरकर ने हमें बैरिस्टर जीना चाहिए इस तरह का उनका अभियान बीस बीस तक की भी चल रहा है यह सत्य हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है यह वही पीपल वॉर पत्रिका है उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का एक व्यंग्य चित्र सुभाष चंद्र बोस को जापानी जनरल तोजो के चलने वाले कुत्ते के स्वरूप में दिखाकर सुभाष चंद्र बोस का मजाक उड़ाया था ईश्वर की कृपा से हमें वो उसका कटिंग भी मिला है वो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे तो यह वामपंथियों ने देश के साथ गद्दारी किया है भारत के गद्दार और देशद्रोही है इन्होंने हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया केवल गांधी का किया इतना ही नहीं तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस सावरकर और सभी राष्ट्रवादी और प्रखर देशभक्त जो नेता थे उनका सबका अवमान किया था परंतु विडंबना यह है कि उन्हीं के हाथ में सत्ता सत्ता बचाने के लिए नेहरू ने वही रूसी वामपंथी मॉडल भारत में चलाया वामपंथियों के हाथ में ही सभी शिक्षा और महत्व के नीति निर्धारण के पद उन्हीं के हाथ में दिया और उन्होंने यह सब इतिहास है उसको दबाया उनको दड़प कर एक झूठा इतिहास जो पढ़ाया उसके कारण आज भारत में किसी को ये वास्तविकता पता ही नहीं कि ये जो वामपंथी आज हमें देशभक्ति के डोस फैला रहे और सावरकर जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं वे स्वयं अंग्रेज़ों के साथ थे रजाकार निज़ाम के साथ थे भारत के विभाजन के लिए वे पाकिस्तान के समर्थन में और जिना के साथ में थे और स्वतंत्रता के बाद बीस बीस में वीर सावरकर के मार्ग को बदल कर वो बैरिस्टर जिना मार्ग के समर्थन में थे तो यह देशद्रोही की श्रृंखला अभी भी चल रही है यही भारत तेरे टुकड़े होंगे यह गैंग के साथ यही वामपंथी लोग खड़े हैं काश्मीर तेरे आज़ादी तक यह कहने वाले विघटनवादी आतंकवादी इस्लामी लोगों के साथ यही खड़े हैं तो अभी भी इतिहास बदला हुआ नहीं मगर आंखें खोलकर देखने के लिए जो आपको दृष्टि चाहिए वही झूठे इतिहास और ये अंग्रेजी मैकोलित प्रणित जो शिक्षा तंत्र है उसने एक पर जो पर्दा लाया है उस पर्दा को फारश करने की आवश्यकता है आंखों पर का पर्दा पर्दाफारश करके ये सत्य भारतीय जनता को बताने की आवश्यकता है और साम्यवाद भारत के शत्रु थे सुभाष जी के शत्रु थे गांधी जी के शत्रु थे वे मित्र थे रजाकार और निजाम के वे मित्र थे जीना और पाकिस्तान के यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है और यह सत्य इतिहास कार्तिक जी अभी सामने लाकर समाज तक पहुंचाने की आवश्यकता है जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपने जो हमारे सामने अभी ये वामपंथियों के बारे में जो सच्चाई रखी है तो ये ना तो ये हमारे देश के पक्ष में थे ये तो उन पाकिस्तान के पक्ष में थे बंटवारे के पक्ष में थे इन्होंने वो रजाकार निजाम का सपोर्ट इन्होंने किया था और हर बार इन्होंने भारत को टुकड़े करने के लिए इन्होंने प्रयास किया और वर्तमान में भी यही स्थिति कायम है भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को इन्होंने किस प्रकार से उनका आलोचना की है ये हम देख सकते हैं इसकी तथ्य और इसके प्रमाण भी न्यूज़पेपर कटिंग के साथ इनके मैगजीन के बारे में हमारे सामने यहाँ पर दिखाई गई है तो ये वामपंथियों की सच्चाई क्या है ये आप सभी को ध्यान में आओगे और इन सच्चाई को अभी हमें लोगों के सामने उजागर करना होगा जैसे सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी ने कहा है कि हमारे पर्दाफाश आँखों के सामने जो पर्दा आया हुआ है उस पर्दे को दूर करके आज हमें लोगों के सामने ये सच्चा इतिहास रखना होगा यही हम सभी का कर्तव्य है और सभी हिंदुओं को जागरूक करना होगा मेरा सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि ये जो धर्म संवाद के कार्यक्रम के माध्यम से हम इस वामपंथियों के जो उन्होंने काम किए हैं ये हम उजागर कर रहे हैं इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आप भी इसमें हमारा सहयोग कीजिए अधिक से अधिक वॉच पार्टी कीजिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यह कार्यक्रम सुनते समय यदि आपके कुछ सुझाव हो तो आप अवश्य हमें बॉक्स पर लिखकर दे सकते हैं इसी के साथ हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य में यदि आप अपना सहयोग देना चाहते हैं तो अपना नाम अपना जिले का नाम एवं अपना संपर्क क्रमांक आप चैटबॉक्स में अवश्य लिख कर दे सकते हैं हम आप तक पहुंचने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से धर्म संवाद का आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ इसलिए उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर हम यहीं पर विराम देते हैं नमस्कार